हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम आशु कुमार है। मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मेहाड़ी गुजरा में। तो आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्सिस। ये टॉपिक 8th क्लास की जियोग्राफी का है, जिस टॉपिक का नाम है रिसोर्सिस। रिसोर्सिस को हम हिंदी में संसाधन कहते हैं और उर्दू में वसाइल कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि रिसोर्स है क्या चीज है। एक्चुअली जैसे इसको हिंदी में हमने संसाधन कह दिया, उर्दू में वसाइल कह दिया, लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट क्या है रिसोर्स का। रिसोर्स क्या है कि जो भी कोई भी चीज जो हमारी जरूरत को पूरा करती है वो क्या है, रिसोर्स है। जैसे जो भी चीज जो है यूजफुल है इंसान के लिए वो रिसोर्स है। जैसे हमारी नीड है कि हमें प्यास लगी हुई है तो पानी हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। जैसे क्या है कि अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए लाइब्रेरी जो है वो रिसोर्स है। बुक्स उसके लिए क्या है, रिसोर्स है। टीचर उसके लिए रिसोर्स है। अब टीचर जो है वो पढ़ाना चाहता है और स्टूडेंट उसके लिए क्या है, रिसोर्स है। अब हम इस रिसोर्स के कंसेप्ट को जियोग्राफी अपने सब्जेक्ट की तरफ लेकर आते हैं कि वहां पर क्या है, रिसोर्स वो चीज है जो क्या करती है, हमारी जरूरत को पूरा करती है। इसको डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं नेचुरल रिसोर्स। कोई भी फिजिकल आइटम जो लोगों के लिए यूजफुल है, फायदेमंद है, जिसका उनको फायदा है, वो नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स मीन्स वो नेचर ने दिया है, वो उसने खुद नहीं बनाया है। जैसे हम लैंड की बात करते हैं, एयर है, सी है, ये सारे जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब क्या है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज की कुछ एग्जांपल्स हैं। रिसोर्स आ गया कि जो भी चीज हमारी जरूरत को पूरा करती है वो क्या है, रिसोर्स है। और नेचुरल रिसोर्स वो है जो क्या है, हमें गिफ्ट ऑफ नेचर है, वो नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है। जैसे सन है, तो सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जितने भी दुनिया में हम काम करते हैं तो देखो सन की एनर्जी कितनी ज्यादा हेल्पफुल है सभी कामों को करने के लिए, और सन की हमारी एनर्जी जो है हमारी कितनी जरूरतें पूरी करती है। उसके बाद सेकंड नेचुरल रिसोर्स की एग्जांपल है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट भी कितने यूजफुल हैं, अगर फॉरेस्ट के हम यूजेस को काउंट करना शुरू करें तो वो बहुत ज्यादा है। जैसे फॉरेस्ट से हमें मेडिसिन मिल रही है, फॉरेस्ट से हमें टिम्बर यानी यूजफुल वुड मिल रही है, फॉरेस्ट जो है होम ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ जो फॉरेस्ट में होती है, उनका होम जो है वो फॉरेस्ट ही है। अब रॉक की बात करते हैं तो रॉक इज आल्सो गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचुरल रिसोर्स है। और रॉक्स के भी बहुत सारे यूजेस है। मिनरल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स आल्सो ए गिफ्ट ऑफ नेचर एंड आल्सो कॉल्ड अ नेचुरल रिसोर्स। ये हमारी बहुत सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स जैसे यहां पर पिक्चर में तो सिर्फ आपको गाय की पिक्चर दिखाई गई है, और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जैसे एनिमल्स गिव अस मिल्क, वो हमें दूध देते हैं, और उसके बाद जैसे क्या है कि वूल, और उसके बाद जैसे क्या है कि और भी डिफरेंट पर्पज के लिए एनिमल्स जो है वो यूजफुल है। उसके बाद एयर, एयर जो है जैसे एयर की कंपोजिशन में हम देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो इंसान के लिए कितनी यूजफुल है, नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सभी गैसेस कितनी यूजफुल हैं। ये सभी गैसेस हैं तभी हम इस अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसी से आपको पता चलेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितनी हमें इनकी जरूरत है। इसके बिना जो है हम अर्थ पर सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे ऑयल है, ऑयल इज आल्सो अ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। जैसे पेट्रोलियम हो गया, और वाटर, वाटर इज आल्सो अ नेचुरल रिसोर्स एंड यूज फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। और सॉइल, अगर हम फूड की बात करें तो फूड की जो आइटम्स है वो ग्रो कहाँ होती हैं, सॉइल में ही ग्रो होती हैं। तो सॉइल इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स।
नेचुरल रिसोर्सेज, अब हम मैंने पहले हमने बात की रिसोर्सेज। रिसोर्स क्या है? जो चीज हमारी जरूरत को पूरा करती है वो रिसोर्स है, और हमारी जरूरत को पूरा करने वाली जो सारी चीजें हैं जो नेचर ने हमें दी हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कम फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। और फिर मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताई नेचुरल रिसोर्सेज की। अब हम फर्दर जो है नेचुरल रिसोर्सेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रेन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे ये नाम ही इंडिकेट कर रहा है, री न्यू, री मीन्स दोबारा, न्यू हो जाएगा वो रिसोर्स, उसको कहते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स जो रेन्यू नहीं हो सकता है, जो दोबारा से न्यू नहीं हो सकता है, अगर हम उसको यूज करते रहते हैं जब वो खत्म हो जाएगा तो वो दोबारा से नहीं बन सकता है, क्योंकि उसकी फॉर्मेशन को, उसके बनने को हजारों लाखों साल लग जाते हैं। तो हम पहले बात करते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं, जो दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं, दोबारा से तैयार हो जाते हैं। अगर हम एक प्लांट की बात करते हैं, फ्रूट की बात करते हैं, तो एक फ्रूट है और उसका जो बीज है, उस बीज को अगर हम दोबारा से जनरेशन प्रोसेस में डालते हैं और ग्रोथ होती है और दोबारा से वो तैयार हो जाता है। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उनमें भी वो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो चलता है, उससे भी वो दोबारा दोबारा जो है वो तैयार होते रहते हैं, और उनकी स्पीशीज जो है वो बढ़ती रहती हैं, और रिप्रोडक्शन से यानी क्या है, उनकी जो स्पीशीज है वो कंटिन्यूसली चलती रहती हैं, यानी ये जो रिसोर्सेज हैं ये दोबारा दोबारा तैयार होते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, बात करते हैं कोल की, बात करते हैं मिनरल्स की, बात करते हैं, इनकी फॉर्मेशन जो है ये मिलियन ऑफ इयर्स पहले हो चुकी है, और जितने ये हैं उतने ही रहेंगे, ये उससे बढ़ नहीं सकते हैं। इनको बढ़ाने के लिए, इनको दोबारा से तैयार करने के लिए हमारे पास कोई भी प्रोसेस, इमीडिएट प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। तो आज की क्लास हमारी यहां तक ही जो है हम इसको रखते हैं, और जो आपका होम टास्क है वो आपने लिस्ट तैयार करनी है रेन्यूएबल रिसोर्सेज की और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज की। लिस्ट तैयार करनी है अपनी नोटबुक के ऊपर कि रेन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन कौन सी चीजें आती हैं हमारी, और नॉन रेन्यूएबल में कौन कौन सी चीजें आती हैं। थैंक यू।